ये किन देखो, वो ये पंजाब के किन। तो इस तरीके के केले यहाँ पे ट्रक्स भर के आते हैं। वो देख सकते हैं आप कितने फ्रेश केले हैं, तो ये सिर्फ यही मिले। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं हूँ बोराडा इंडस्ट्री एरिया, जहाँ पे फूड कोल्ड स्टोरेज है, जोधपुर का सबसे बड़ा फ्रूट पकाने का कोल्ड स्टोरेज है। और मैं भी अंदर जस्ट आया हूँ और यहाँ पे गाइड लिया है, गाइड करेंगे। बहुत आवाज़ आ रही है, क्या चल रहा है अंदर, किस तरीके से फ्रूट पकता है यहाँ पे, किस रेट में मिलता है, कहाँ से आता है, पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बनाते हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ। आप मेरे पीछे जो आपको ये वाइट दरवाजे दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये रूम्स नहीं है, ये सारे फ्रिज हैं और कोल्ड स्टोरेज हैं। और सब पे लिखा है दरवाज़ा नहीं खोले, कोई ना कोई तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा अंदर हो क्या रहा है। तो ये एक फ्रिज है, इसके अंदर ये मशीनें लगी हुई है और ये खाली है अभी। और दूसरे देखते हैं क्या क्या सामान पड़ा है। तो ये बहुत सारे केले पड़े हैं यहाँ पे, ये कैरेट्स पड़े, वो इतने सारे कैरेट्स पड़े हैं यहाँ पे। और अभी क्या उतर रहा है, चीकू, यहाँ अभी चीकू उतर रहे हैं और केले रख चुके हैं, तो इसी भी आप पकेंगे रह क्या। तो दिलीप जी हमें बता रहे हैं कैसे यहाँ केले आते हैं, कच्चे केले कहाँ से आते हैं दिलीप जी? गुजरात से आते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र है गुजरात। और यहाँ पे सिर्फ पकाया जाता है आपके यहाँ, और यहाँ से फिर वापस यहाँ से सेल हो जाता है मंडियों में। मंडियों में यहाँ से सेल होता है। अच्छा अच्छा, दे सकता हूँ कच्चे केले। सो इस तरीके के केले यहाँ पे ट्रक्स भर के आते हैं और फिर इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहाँ पे ये पकते हैं। जैसे यहाँ पे चीकू रखे हुए हैं और केले, और ये सारे केले सारे इंडस्ट्रीज में जितने भी कोल्ड स्टोरेज है पास वाले, सब में ऐसे इसी तरह के केले हैं। कितने होंगे लगभग ये? ये 4 दिन में पकते हैं। 4 दिन में पकते हैं। टोटल कितने किलो होंगे ये पता है क्या? 15 किलो का है। 15 किलो का एक है और यहाँ पे करीबन 100-200 के रेट है, ज़्यादा होंगे और है। तो काफी सारे कैरेट है, सैकड़ों के अंदर कैरेट है जो पक चुके हैं ना। ये 3 दिन में पक गया ना? नहीं, 5 दिन में। ये 5 दिन के पके हुए केले हैं। तो देख सकते हैं कितने फ्रेश केले हैं, तो ये सिर्फ यही मिलेंगे। अपने क्या नाम है अपनी कंपनी का? जोगमाया फूड, जोगमाया एग्रो फूड में मिलेंगे। इनके नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, इनके नंबर आपको अगर डायरेक्ट वेंडर चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट लेके सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। हर प्रकार का फ्रूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इतनी गाड़ी खड़ी है, पूरे जोधपुर में इन गाड़ियों से सप्लाई होता है ये फ्रूट। और अभी हम सेब वाला कोल्ड स्टोरेज देखने जा रहे हैं कि सेब कैसे पक रहा है वहाँ पे। और ये अहमदाबाद से आता है, बड़ी बड़ी ट्रकों के अंदर खूब सारा माल आता है, क्विंटल और टनों पर ये माल आता है। और सुबह 5 बजे सप्लाई होता है, 5 बजे सुबह सप्लाई होता है। बोले सुबह वीडियो बढ़ानी है तो आप सुबह आओ। और अभी हम सबसे महंगा फ्रूट देख रहे हैं यहाँ का, जो कि है सेब। जबरदस्त खुशबू आ रही है इन सेब की, और ये आप देख सकते हैं कितना फ्रेश फ्रूट पड़ा है यहाँ पे, खुशबू बहुत तेज आ रही है। उस दिन की है, तो जिस कितना वो ये इसमें चीकू डाला हुआ है, 35 अच्छा 35 बॉक्स डाले हुए हैं 20 तारीख को सुबह इतने बजे। और यहाँ पे ताला लगा दिया है नंबर लिख के, और जब ये खुलेगा तो इसकी डेट क्या होगी, 21 तारीख और सेम डेट पे खुलेगा। तब तक पक जाएगा ये, पक के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज बंद कर देते हैं, काफ़ी ये भी बंद है, इसमें भी डेट लगी हुई है, 150 कैरेट है और इतने बॉक्सेस हैं, और ये डेट पे ये बंद किया हुआ है। ये सारी सेब की है, कुछ सारी पैक है, सिर्फ एक खुली है। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सेब की यार, एक पेटी तो यार मेरे को भी ले जानी पड़ी। ये किन देखो, वो पंजाब से है, ये पंजाब के किनू हैं, और इतने फ्रेश किनू मैंने आज तक नहीं देखे कभी ज़िंदगी में। और
एकदम प्योर कलर देख सकते हैं आप इसका, कितना शानदार कलर है ये। और इसकी रेट अभी देख के मैं एक तो गन ले जाऊँगा, वो सेब की पेटी कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे। बस यही है किनू और सेब है ना, तो ये किनू है, तो ये सब बचा हुआ होगा ना, सुबह निकल गया ना पूरा, ये पूरा भरा हुआ रहता है। और ये बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे आ रहा तो आपको पूरा भरा मिलेगा, और जितनी भी गाड़ी वगैरह है वो यहाँ से सप्लाई होती है। बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे आना पड़ेगा मुझे ये बड़ा वाला लेवल देखने के लिए, बहुत हेवी सीन देखने के लिए सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। और पूरे कोल्ड स्टोरेज जो है ये पूरा भरा रहते हैं और सुबह सप्लाई होते हैं। और जो कैरेट देख सकते हैं आप, कितने सप्लाई करते हैं कैरेट, इतने कैरेट सप्लाई हो चुके हैं। ये यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है, क्या टेम्परेचर है अभी तक किस का? 4 या 5 पकाने के लिए? नहीं, क्या ठंड में रहता है ये, अच्छा इसको भी ठंडा मौसम चाहिए। अच्छा, ठंडा मौसम चाहिए, वरना दाग लग जाता है, जल जाता है। तो मुझे ये वाली पेटी बहुत पसंद आ गई है, तो मैं लेने वाला हूँ, देखते कितने किलो की है। सोलह किलो बने, हाँ ये तो शाम से बंद है, कल शाम से ये बंद है। और इसके अंदर भी चिक हुआ, और इसमें भी ये ताला लग रहा है एक नंबर पर, जब ये खुलेगा तब ये माल पका हुआ निकलेगा ना। ये कितने कोल्ड स्टोरेज है? 1, 2, 3, 4, 10 स्टोरेज है यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ पर। ये नाम लिखा है घर पर, जो मैं एग्रो फूड इंडस्ट्री में आया हूँ मैं आज बोरनाडा, और यहाँ पे 10 कोल्ड स्टोरेज है। और यहाँ पे आपको सीजन का हर फ्रूट मिल जाएगा, वो भी मंडी से कम रेट में। यस, मंडी से कम रेट में। पीछे कैरेट्स देख सकते हैं आप, उनका ह्यूज लेवल पर काम है, 10 गाड़ी डेली फ्रूट्स आता है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अंदर। और यही पका के उसको यहीं पे सेल करते हैं, और जितने भी मंडी वाले हैं, फ्रूट मंडी वाले, वो यहीं से माल ले जाते हैं। तो मैं इनका डायरेक्ट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इनका नंबर भी डाल रहा हूँ। तो अगर आपको इनसे बिजनेस करना है, यहाँ से ले जाके आपको फ्रूट्स देने हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, और बहुत रिजनेबल रेट है यहाँ पे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। टाटा बाबा अल्लाह।